हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के डिस्कशन के लिए जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, जो बच्चे सीए में मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, तो साथ में बीकॉम बीबीए ये जो ग्रेजुएशन उन्हें करना होता है, तो सवाल ये आता है कि सर ये कोर्सेज में हम इंटरनल एग्जाम और इंटरनल कॉलेज ऑप्ट करें या एक्सटर्नल ऑप्ट करें। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फर्क है सर? इंटरनल का मतलब ये होता है कि जैसे आपने 11th और 12th रेगुलर कॉलेज किया, वैसे ही आप बीकॉम या बीबीए के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हो। आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है। जैसे अगर मैं नासिक की बात करूं, तो यहाँ पे सुबह 8 बजे से कॉलेज चालू होते हैं, 12 बजे तक खत्म हो जाते हैं, तो 3-4 घंटे के कॉलेज होते ये करके, राइट? और रेगुलर कॉलेज जाना है, लेक्चर अटेंड करना है, वही अटेंडेंस का वो मतलब जो किसी पीटी बात होती है कि अटेंडेंस कंपलसरी है, सबमिशंस है, यूनिट टेस्ट है, मेन एग्जाम है, तो ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे डील करना होता है इंटरनल एग्जाम। एक्सटर्नल क्या होता है सर? एक्सटर्नल आप ग्रेजुएशन यहाँ से भी कंप्लीट करते हो बीकॉम का, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ फाइनल एग्जाम देने जाना होता है, दैट्स ऑल। बाकी कोई सबमिशन नहीं, कोई ज्यादा झंझट नहीं, कोई अटेंडेंस का टेंशन नहीं। तो एक तरफ आप आराम से अपना यू नो कि सीए 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 में प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो, और साइड बाय साइड आपका बीकॉम भी हो जाता है। अब सवाल यह है कि सर इससे कोई हमारे करियर पे या फिर कोई सवाल उठा सकता है क्या? दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी जो कॉमर्स के बेस्ट कोर्स है, जो कॉमर्स के टफेस्ट कोर्स कहा जाता है, जो आप करने के बाद आपको दूसरे डिग्री के बारे में कोई पूछता ही नहीं है, सो इसीलिए अगर आप बहुत शिद्दत से करना चाहते हो, सो मेरे ओपिनियन में आप लोग एक्सटर्नल के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हो एक बार, यस और नो। लेकिन हाँ, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है, आप लोगों को इंक्वायरी करनी पड़ेगी। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी का अलग होगा, पुणे यूनिवर्सिटी अलग है, और भी महाराष्ट्र में अलग अलग या पूरे इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज है करके। सो आप लोगों को अब बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि 12th का रिजल्ट आने के बाद बहुत कम टाइम रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, क्या हम इंटरनल अगर ले लेते हैं तो क्या सीए नहीं हो पाएंगे? क्या ऐसे भी कोई मतलब स्टूडेंट है जो इंटरनल लेके सीए करते? बहुत सारे हैं दोस्तों, ये भी चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। हाँ, नो डाउट झंझट होती है, लेकिन उसमें भी अलग मजा है। बहुत सारे बच्चे मतलब आप यहाँ पे देखोगे, आपका जर्नी ये रहेगा, जो अभी सीए सीएस कर रहे हैं, जिनका सीएस डब्ल्यूटी भी नवंबर अटेम्प्ट है, सीए में दिसंबर अटेम्प्ट है, तो मैं अप्रोक्स पकड़ता हूँ नवंबर दिसंबर में आपका 2023 में एग्जाम रहेगा। उसके बाद सीए का एग्जाम होता है नवंबर 2024 में, जो सीए इंटर एग्जाम कहा जाता है, सेकेंड एग्जाम। सीएस डब्ल्यूटी जून 2024 में रहेगा, एंड सीए में भी मोर और लेस वैसे ही। तो आप लोगों का 2024 में जब ये एग्जाम रहेगा इंटर मतलब प्रोफेशनल कोर्सेस का सेकेंड लेवल का एग्जाम दोस्तों, तभी 2024 में आपका FY का एग्जाम भी होगा। तो आपको दोनों चीजें मैनेज करनी है, लेकिन ये एग्जाम क्लैश नहीं होते, ये भी एक खूबसूरती है। तो आप वो टेंशन मत लो क्या सर दोनों एग्जाम एक ही टाइम पे आएगा, नहीं। यूनिवर्सिटीज और ये प्रोफेशनल एग्जाम का उतना तो कनेक्शन है ही कि सर वो एग्जाम क्लैश नहीं कराते। लेकिन दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ड्यूरेशन है, ये 7-8-9 महीने का ड्यूरेशन, वहां पे आप लोगों को इंटरनल कॉलेज अगर जाना है तो मेंटल प्रिपरेशन रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि सर हमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। तो मालिक डिसीजन लेते वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल, मेरे हिसाब से मैंने खुद सीए करते वक्त एक्सटर्नल किया था, तो मैंने सिर्फ लास्ट एग्जाम ही दिए थे, इवन एमकॉम तक मैंने एक्सटर्नल किया हुआ है। सो कोई दिक्कत नहीं है मालिक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसका एक बार इंक्वायरी कीजिए, आपके नियर अबाउट इंस्टीट्यूट का जो हेल्पलाइन नंबर होता है यूनिवर्सिटी का, वहां पे जाइए पूछिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। और आप अगर और भी अजम्पशन रख रहा हो कि आप कंप्लीट करोगे आपका कोर्स सीए सीए सीएमए का, इंटरनल लेना है तो मेहनत बढ़ेगी, लेकिन बहुत बच्चे कर सकते हैं। और एक पॉइंट क्या बताता हूँ इंटरनल का, सुन लो सर। सपोज और ये जर्नी तुम्हारा 2026 तक, तो आपका ग्रेजुएशन मतलब अगर मैं 3 साल की भी बात करूँ, कि चलो अभी 4 साल वाला नहीं पकड़ता फिलहाल, 3 साल वाली बात करूँ, तो टीवाई बीकॉम 2026 में आपका खत्म होगा, यस और नो। और 2026 तक सीएस तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है कोर्स, सीए में और सीए 2027 तक जा सकता है फाइनल अटेम्प्ट आपका, राइट दोस्तों। लेकिन सर क्या बताना चाहता हूँ, बहुत बार क्या हुआ, एक एग्जाम्पल, ये एक बंदा है जो नासिक से है, ठीक है, ध्यान से सुन। अब इन्होंने क्या किया, FY बीकॉम का जो एडमिशन है वो तो ले लिया नासिक में कॉलेज में इंटरनल करके, ठीक है, नासिक में एडमिशन ले लिया। अब भाई को CA फाउंडेशन और नासिक में ही था बंदा, लेकिन अब भाई को CA इंटर के लिए जाना है आउट ऑफ नासिक, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, नहीं तो पुणे। अब जब भाई यहां पे जा रहे हैं तो पढ़ाई वहां पे चलेगी, एग्जाम देने नासिक आना है। चलो सर सीए इंटर भी नासिक में कर लिया, लेकिन आर्टिकलशिप करने मुंबई नहीं तो पुणे जाना,
तो वहां पे आर्टिकलशिप चल रही, एग्जाम देने, सबमिशन देने नासिक जाना है, तो ये आपको एक पॉइंट को कंसिडर करना ही पड़ेगा दोस्तों कि ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप आपको कहाँ पे करनी है, आपके सिटी में ही या बाहर जाना, तो इन पॉइंट को कंसिडरेशन में लेना जरूरी है। और बीकॉम का ज्यादा टेंशन ऐसे ही मत लो करके, राइट दोस्तों। सो आपको मैंने सबसे पहला तो एक आज सोचने की बात रखी कि आपको इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल ये ऑप्शन भी है जिन्हें नहीं पता था, तो सोच समझ के आप डिसीजन लेना। और भी कुछ हेल्प लगी तो डेफिनेटली मैं इस पे गाइड करूंगा। मेरे ओपिनियन में एक्सटर्नल बेस्ट है, लेकिन एक्सटर्नल की सीटें लिमिटेड होती है और उनका सारा प्रोसीजर भी बहुत लेट चलता है। जब इंटरनल के एडमिशन हो जाते हैं उसके बाद 1-2-3 महीने बाद मतलब वो एक्सटर्नल की सारी प्रोसीजर होती है। पर ठीक है, आप एक बार इंक्वायरी कीजिए और आपका मेन फोकस तो प्रोफेशनल कोर्स रहेगा ही करके। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा एक बेसिक थॉट क्रिएट करने में, सोचने में कि हमें क्या करना चाहिए या ऐसे ऑप्शन भी हम ढूंढ सकते हैं क्या। बाकी तो और भी आपके जो सवाल रहेंगे, सर बीकॉम अच्छा है या बीबीए अच्छा है इन प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ, तो मेरे ओपिनियन में बीकॉम ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि बीबीए के लिए अगेन ज्यादा लोड हो जाता है कॉलेज अटेंड करना, और एक्सटर्नल तो आई डोंट थिंक सो बीबीए है, लेकिन इंटरनल ही करना है, रेगुलर अटेंडेंस है, सबमिशन है, बहुत सारी चीजें रहती है बीबीए में। सो वो मेरे हिसाब से इतना मैच नहीं खाता प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ, तो बीकॉम सही है, उसके साथ उतना लोड नहीं होता, प्रोफेशनल कोर्स में जो पढ़ते हो वही अपने आप यहाँ पे हो जाता है करके। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैसेज था मेरी तरफ से, आप देखिए इस पे सोचिए आपको क्या अच्छा लगता है और डेफिनेटली सोच समझ के एक वाइज डिसीजन लीजिएगा। बाकी आपको कोई भी हेल्प लगी आप डेफिनेटली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहीं पे मैं रुकता हूँ, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।